सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका जॉर्डन गेमिंग की एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं आपको इंडिया रीजन के टॉप ग्लोबल प्लेयर के बारे में बताने वाला हूँ। कौन कौन से जो ग्लोबल प्लेयर रहे हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर, उनके बारे में डिटेल देने वाला हूँ। तो यार, आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। तो यार, वीडियो को फुल वॉच कर लेना, मेरे साथ बने रहना वीडियो में एंड तक। सो गाइस, सबसे पहले जो ग्लोबल प्लेयर में आते हैं अपने फ्री फायर गेम में, सबसे ओल्ड प्लेयर में भी आते हैं गाइस, वो है अपने एक्शन बोल्ट भाई। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड प्लेयर है और लेवल इनका देख सकते हैं आप, 93 लेवल है बंदे का। और गाइस, लाइक भी देख सकते हैं, पूरे कंप्लीट हुए हुए हैं, मतलब 1 लाख अप्रोक्सीमेटली हुए हुए हैं। तो गाइस, यही एक अपनी लिस्ट में बंदे हैं जो कि, और गाइस एक्शन बोल्ट भाई अपने अपने टाइम के ग्लोबल प्लेयर रहे हैं। जी हाँ गाइस, बहुत से लोग इनको जानते होंगे और जो नए नए गेम खेलना चालू करते हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। लेकिन गाइस, मैं तो ओल्ड प्लेयर, तो यार मुझे तो पता ही होगा, बाकी नॉलेज अपने पास होती है थोड़ी बहुत। तो गाइस, एक्शन बोल्ट भाई अपने ग्लोबल प्लेयर रहे हैं फ्री फायर गेम के अंदर। जिस टाइम ग्रैंड मास्टर नहीं होता था, सब ग्लोबल पे ही लीडर बोर्ड होता था। हर जो सर्वर होते अपने, इंडिया सर्वर है, इंडोनेशिया सर्वर है, पाकिस्तान सिंगापुर सर्वर है, सब सर्वर एक ही होता था। और उसमें गाइस आपको जो रैंक का स्टेटिक्स आते थे लीडर बोर्ड में, तो वो गाइस वो हो गया ग्लोबल प्लेयर। तो ये टॉप ग्लोबल प्लेयर रह चुके हैं अपने एक्शन बोल्ट भाई, और आप इनके जानती होगे गाइस। इनको अगर आप नहीं जानते तो इनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन यार जानते होंगे, बहुत ओल्ड प्लेयर हैं और लेजेंड प्लेयर अपने फ्री फायर गेम में। तो दोस्तों, अपनी नेक्स्ट ग्लोबल प्लेयर की जो लिस्ट में प्लेयर आते हैं, उनका नाम हो जाता है अपना राकेश चोपल 07। जी हाँ गाइस, ये बहुत ही ओल्ड प्लेयर फ्री फायर गेम के अंदर हैं, और गाइस बहुत ही इनका गेम प्ले है ना जो ओवर पावर है। और यार, एक ग्लोबल प्लेयर हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि यार पुराने समय से गेम को खेलते आ रहे हैं। सीजन 2 में यार रैंक सिस्टम आया था, मतलब पहले रैंक नहीं होता था, सीजन 2 में रैंक आया था। और जब ये ग्लोबल प्लेयर रह चुके हैं, जितने भी बंदे मैं आपको इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ, वो सब के सब टॉप ग्लोबल रह चुके हैं, मतलब ग्लोबल की ग्लोबल प्लेयर की लिस्ट में रह चुके हैं रैंक की। तो उनकी ही डिटेल आपको इस वीडियो में मिल रही। तो गाइस, ये राकेश चोपल 07 बहुत ही बढ़िया, मतलब एक तरीके से लेजेंड कह सकते हैं आप फ्री फायर गेम के अंदर, बहुत ही ओल्ड प्लेयर है यार राकेश चोपल 07। गाइस, अब बात कर लें अपने नेक्स्ट ग्लोबल प्लेयर की फ्री फायर इंडिया सर्वर के, तो वो हो जाते हैं अपने अंकुश FFY। जी हाँ गाइस, ये इनको तो आप जानते होंगे, ये तो अब भी बहुत, क्या नाम है, पहले एक दो साल से इनका ग्रैंड मास्टर का बहुत ही जो चलता था, बहुत ये टॉप पर ही रहते थे। और यार, ये ग्लोबल प्लेयर भी रह चुके हैं अपने टाइम के, क्योंकि इन्होंने भी पहले से ही रैंक पुश करते आ रहे हैं। तो यार, ये भी ग्लोबल प्लेयर की लिस्ट में आना डिजर्व पूरा करते हैं, इसलिए मैंने इनको अपनी लिस्ट में रखा है टॉप ग्लोबल प्लेयर ऑफ इंडिया रीजन के। और गाइस, आपका सबसे फेवरेट प्लेयर कौन सा है जो कि ग्लोबल प्लेयर है, वो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना। सो गाइस, ग्लोबल प्लेयर की लिस्ट में टॉप पर रहने वाले अपने बिन जैद गेमिंग आ चुके हैं, बिन जैद भाई जो हैं। और गाइस, इनका ये इन्होंने कहा था कि ये, और गाइज ये जो बिन जैद भाई हैं, ये बिल्कुल टॉप ग्लोबल प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम के, जब ग्लोबल सिस्टम होता था, रैंक के सिस्टम, मतलब ग्रैंड मास्टर वगैरह नहीं होता, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। बिन जैद भाई ग्लोबल प्लेयर हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर, सीजन 2 में मैं बात कर रहा हूँ, जब सीजन 2 में हीरोइक सिस्टम आया था, मतलब रैंक सिस्टम आया था ग्लोबल प्लेयर्स का। तो गाइज, ये बहुत ही ओल्ड प्लेयर हैं, और पता ही लग रहा होगा यार, इनके पास सीजन 1 का एलाइट पास, और आप बैनर अवतार देख सकते हैं, जो कि ये शायद सीजन 2 के हीरोइक का है, पता नहीं, मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं। और गाइज, ईगल वाला ये देख सकते हैं अवतार, कितना खतरनाक है। तो इससे ही आपको पता लग रहा है जो टॉप ग्लोबल प्लेयर्स की लिस्ट में ये क्यों डिजर्व करते हैं आना। तो भाइयों, अब बात कर ले अपने नेक्स्ट ग्लोबल प्लेयर की फ्री फायर इंडिया सर्वर के, वो हो जाते हैं अपने ज्ञान सुजान। जी हाँ गाइज, ज्ञान गेमिंग आप देख सकते हैं, ये भी यार काफी पुराने प्लेयर है अपने फ्री फायर में। तो यार, ये तो टॉप ग्लोबल में रहना बनता ही है इनका, इनकी लिस्ट में नाम तो इनका यार आना ही था, क्योंकि यार पुराने बहुत प्लेयर हैं ज्ञान गेमिंग, और आपने देखा होगा कि ये शुरू से ही है जो रैंक गेम खेलते आ रहे हैं। तो यार, ओल्ड प्लेयर भी हैं अपने फ्री फायर गेम में, तो यार ये टॉप ग्लोबल प्लेयर की लिस्ट में आना बिल्कुल डिजर्व करते थे, इसलिए यार मैंने इनको अपनी लिस्ट में रखा है। सो गाइज, नेक्स्ट अपने ग्लोबल प्लेयर हो जाते हैं इंडिया सर्वर के, वो हो जाते हैं सुदीप सरकार। जी हाँ गाइज, इनका भी नाम आपने बहुत सुना होगा, बहुत ही पुराने प्लेयर अपने फ्री फायर गेम के अंदर। और गाइज, गेम प्ले तो इनका आपको पता ही है, शॉटगन किंग माने जाते हैं अपने फ्री फायर गेम के अंदर इंडिया सर्वर के। जी हाँ गाइज, तो यार ये भी बिल्कुल टॉप ग्लोबल प्लेयर रह चुके अपने टाइम के, सुदीप सरकार भाई भी बहुत पुराने प्लेयर हैं, 2000
जो भाई पुराना प्लेयर होगा तो यार ग्लोबल प्लेयर तो यार वो होगा ही, तो गाइज इनको भी लिस्ट में आना बिल्कुल बनता ही था। गाइज नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अर्पण भाई। जी हाँ गाइज, अर्पण भाई को आप जानते होंगे, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। जी हाँ गाइज वेस्ट बंगाल के स्टेट के रहने वाले हैं ये, और गाइज ये भी अपने टॉप ग्लोबल प्लेयर रह चुके अपने फ्री फायर इंडिया सर्वर के। जी हाँ गाइज, तो गाइज ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि टॉप ग्लोबल रहे हैं अपने, मतलब ग्लोबल प्लेयर की लिस्ट में रहे हैं फ्री फायर इंडिया सर्वर के। सो गाइज ये थे कुछ ऐसे टॉप ग्लोबल प्लेयर जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट इन्होंने कराए ग्लोबल पर, टॉप ग्लोबल प्लेयर ये सब के सब रह चुके हैं। तो गाइज वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझसे कोई ग्लोबल प्लेयर छूट गया हो तो यार जरूर से कमेंट में बता देना, अगली वीडियो में हम उसको जरूर से जरूर कवर कर लेंगे।